वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम मैग्नेटिज्म के लास्ट टॉपिक के ऊपर हैं, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, ये दोनों मिला करके आपके बोर्ड में रफली 8 मार्क्स का है, रफली 10-11-12% फ्रॉम 70 मार्क्स इन एवरी बोर्ड, रफली इन दैट रीजन। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को कर लिया था हमने, मैग्नेटिज्म के भी दो वीडियो कर लिए थे। अब ये तीसरे में हमको बेसिकली बात करनी है, सर्टेन टॉपिक्स जिनकी मैं बात करूंगा वो आपके लिए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रीजन में कोई फॉर्मूले विशेष नहीं है, थोड़ा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है और बाकी कॉम्पिटिशन के लिए तो थ्योरेटिकल पार्ट है और बोर्ड के लिए भी थ्योरेटिकल पार्ट है। आइए हम एक बात करते हैं क्यूरी लॉ। ससेप्टेबिलिटी इज प्रपोर्शनल टू सी बाई टी, सॉरी इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आइए थोड़ा समझते हैं, ससेप्टेबिलिटी था क्या? आपको याद होगा किसी स्पेसिमिन के अंदर पैदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट, मैग्नेटिक डाइपोल डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, ये ससेप्टेबिलिटी की मेन चीज थी, अपॉन मैग्नेटाइजिंग था जो भी था, पर जितना ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ उतनी उसकी ससेप्टेबिलिटी थी। अब आइए एक बात समझते हैं कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है और एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट बन चुका है, एक नॉन मैग्नेट है लेकिन है मैग्नेटिक मटेरियल, और एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेट बन चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में एटॉमिक लेवल पे किसका बिहेवियर या किसके अंदर अरेंजमेंट ऑर्डर्ड होगा, स्पेसिफाइड होगा, सोचिए जरा। मतलब एक लोहे का पीस मैग्नेट बन चुका है और एक मैग्नेट नहीं है। ऑब्वियसली जिसको जो मैग्नेट बन चुका है वो ज्यादा प्रॉपरली डिफाइंड डोमेन फॉर्म में होगा। अब दूसरी बात समझिए, जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं, इफ यू हीट समथिंग, तो उसकी रैंडमनेस बढ़ती है या घटती है, सोचिए। रैंडमनेस, ऑब्वियसली गर्म करेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी। अब मैग्नेटिज्म का मतलब है ऑर्डर्ड बिहेवियर का होना, और गर्म करने का मतलब एब्सर्ड बिहेवियर होना, मतलब गर्म करने का मतलब उसके जो अंदर एटम्स की मूवमेंट है, जो भी अंदर के पार्टिकल की, वो हैफजर्ड मोशन में आ गया। इसका मतलब गर्म करने में मैग्नेटिज्म खत्म होगा, यही क्यूरी ने बताया था। अब जिस टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को गर्म किया जाए और वो इतना हो जाए कि डोमेन्स एटॉमिक लेवल पर आ जाए, अब याद कीजिए डायमैग्नेटिक के अंदर और पैरामैग्नेटिक में हमने कहा फीबली रिपेल्ड या फीबली अट्रैक्टेड, क्योंकि उसके अंदर सारा मैग्नेटिक बिहेवियर एक एटम के फॉर्म में है, फेरो में डोमेन की फॉर्म में, बंचेस ऑफ एटम्स की फॉर्म में। अगर फेरो को मैं गर्म करूंगा, एक गर्म करने पर एक स्टेज ऐसा आएगा कि फेरोमैग्नेटिक के एटम्स टूट के पैरामैग्नेटिक फॉर्म में बन जाएंगे। तो जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक टूट के पैरामैग्नेटिक बन जाता है उसका नाम क्यूरी टेम्परेचर होता है। तो क्यूरी का लॉ बेसिकली बताता है टेम्परेचर बढ़ाने पर मैग्नेटाइजेशन में फर्क आता है, और दोनों में, फेरो और पैरा, दोनों में मैग्नेटाइजेशन कम हो जाती है। लेकिन याद रखिए कि डायमैग्नेटिक में टेम्परेचर पर डिपेंडेंस नहीं होती। कारण समझिए, डायमैग्नेटिक का जो बिहेवियर है वो किस वजह से है, उसके बिहेवियर के पीछे एटॉमिक स्पिन। आप गर्म करें ठंडा करें एटॉमिक स्पिन को नहीं बदल सकते, इस वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर टेम्परेचर पर डायमैग्नेटिक पर कोई इफेक्ट नहीं करता। अब आइए ये देखिए, मैंने एक स्पेसिमेन को मैग्नेट बनाने की कोशिश करी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिएगा, मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊंगा। मैं आप माइंड में समझने के लिए मान लीजिए कि ये नॉर्थ साउथ जो पोल्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि जब चाहे आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और जब चाहे कम कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर मैं शुरू में जब मैंने इसको कुछ भी मैग्नेटिक की करंट नहीं पास करी तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल वे में मेटल पड़ा हुआ है। जैसे जैसे मैं नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ बढ़ाता रहूंगा, यहां पर अगर ये फेरोमैग्नेटिक है तो यहां पर साउथ डेवलप होता रहेगा या नॉर्थ, जितना इसको बढ़ाऊंगा उतना ही डेवलप होता रहेगा। एक समय आएगा इसके मैक्सिमम डोमेन जितने अरेंज होने थे वो हो गए, उसके ज्यादा हो नहीं सकते, उसके बियॉन्ड एन को बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को और मत बढ़ाइए क्योंकि मैग्नेटाइज्ड फील्ड अपनी सैचुरेशन पर आ गया। मैग्नेटाइजिंग जो ये नॉर्थ साउथ का है और मैग्नेटाइज जो अंदर है, अब क्या हुआ, ये कुछ मैग्नेट बन गया मैक्सिमम। अब मैंने क्या किया, इस नॉर्थ और साउथ को धीरे धीरे
वापस लाना शुरू किया, मतलब इस नॉर्थ की पोलैरिटी को खत्म कर रहा हूं मैं, साउथ की भी खत्म, इसका मतलब अब ये दोबारा इसकी करंट मैंने जीरो कर दी। अब क्या हुआ, यहां पर कोई मैग्नेट नहीं बचा, मैंने अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं है, परंतु इसमें कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता है, वही रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, वही रिटेंटिविटी, वही रेमनेंस, ये सब नाम है, रिटेंटिविटी, रेमनेंस, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, मतलब इसकी बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद अंदर क्या मैग्नेटिक बिहेवियर बचा। अब कुछ तो बच गया, उसी तरीके से मैग्नेट बनता भी है, इंडस्ट्री में मैग्नेट बनाने का तरीका भी है, लोहे को आप सोलेनोइड के अंदर रख देते हैं 2 दिन के लिए और निकालिए और मैग्नेट बन चुका। अब क्या है, मान लो मैं चेक करना चाहता हूं ये मैग्नेट का यहां पर जो साउथ पोल बना वो कितना स्ट्रांग है, तो मैं यहां पर नॉर्थ जगह अब साउथ बनाना शुरू करता हूं ताकि साउथ साउथ में रिपल्शन होगी और धीरे धीरे यहां पर एक फील्ड आ जाएगा कि ये साउथ जीरो बन जाएगा। मैंने अब एक ऐसी पोजिशन आ गई कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को मैंने खत्म कर दिया बाहर की इस फील्ड से, इस पॉइंट का नाम कोएर्सिविटी होता है। आइए इसको ग्राफ से जरा समझते हैं, इसी ग्राफ का नाम हिस्टेरिसिस कर्व भी होता है। ये देखिए ये ग्राफ, ये देखो शुरू में मैंने ये एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार हो गया, मैंने शुरू में ओ से शुरू हुआ और इसको ए पॉइंट तक लिखा, मतलब इस ए पॉइंट पर क्या हुआ, मैक्सिमम नॉर्थ जो आप बना रहे थे और इसके अंदर मैक्सिमम फील्ड बन गया। अब इसके बाद लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब अगर आप एच को और बढ़ाएंगे भी बी नहीं बढ़ने वाला, कोई फायदा नहीं। हमने इसके बाद इसको कम करना शुरू किया, देखो ग्राफ ऐसे जाता है, यहां से यूं अप्रिय हो गया, इसका मतलब मैंने कम करना शुरू किया। अब ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट पर मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो चुका है, बी पॉइंट क्या बताता है, बी पॉइंट ये बताता है कि आपका अप्लाइड फील्ड, ये एच में क्या है, अप्लाइड फील्ड मैंने एन एस ए वाला फील्ड बाहर वाला, ये फील्ड खत्म हो गया लेकिन फिर उसमें कुछ बच गया बी पॉइंट, इसी का नाम रेमनेंस या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हो गया। अब क्या हुआ, मैंने रिवर्स फील्ड लगाया, सी पॉइंट क्या बता रहा है, सी पॉइंट मेरे यहां का वो साउथ पोल बता रहा है जिसमें इस साउथ पोल को खत्म कर दिया, इसका नाम कोएर्सिविटी हो गया। अब ये ग्राफ पूरा इस तरह वापस आता है और जाता है, ये पूरा ग्राफ, इनफैक्ट इस ग्राफ का एरिया हमें ये बताता है कि ये मटीरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा। जिसका एरिया बढ़ जाएगा इसका मतलब उसको मैग्नेटिक बनाने में मेहनत है, इसका तोड़ने में भी मेहनत है। आइए इस नॉर्म्स को देखें, रिटेंटिविटी और रेमनेंस क्या हुआ, बी पॉइंट, और कोएर्सिविटी सी पॉइंट हो। अब हिस्टेरेसिस कर्व क्या है, फिनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंडस्ट्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड व्हेन द स्पेसिमेन इज टेकन थ्रू द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पूरा मैंने मैग्नेटाइज इसको किया तो उसमें कितनी एनर्जी लगी वो इसका एरिया बता देगा। फिर हमारे पास आता है ये किस काम का हिस्टेरेसिस कर्व, कहीं पर ये भी है कि ये कर्व सिलेबस से हट चुका है, बट कॉम्पिटिशन के लिए आपको पता होना चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, देखिए हमको मैग्नेट वो बनाना है सॉलिड, जो परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी दो मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मुझे वो बनाना है जो मैं लैब में चाहे मेहनत से बनाऊं लेकिन वो आसानी से खत्म ना हो, मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हो, रिटेंटिविटी हो, रेमनेंस हो, परंतु कोएर्सिविटी बहुत कम हो, मतलब आसानी से वो खत्म ना हो। कोएर्सिविटी की मेरी वैल्यू जो है मुझे संभालना है कि हमारे पास जो चीज है वो बाहर के फील्ड से खत्म ना हो, तो हाई रिटेंटिविटी हो, हाई कोएर्सिविटी हो, आसानी से खत्म ना हो, ये मेरे को लेना है, जो मैंने यहां लिख दिया। स्टील इज वन चॉइस, इसकी रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन से थोड़ी सी कम होती है लेकिन कोएर्सिविटी सॉफ्ट आयरन की बहुत अधिक है, इसका मतलब सॉफ्ट आयरन का मैग्नेट बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, हालांकि स्टील को बनाने में मेहनत ज्यादा है, तो हम वो बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट उससे बना लेते हैं। ऐसा होता है टेम्परेरी मैग्नेट, वो मुझे क्या चाहिए, करंट मैंने हटाई उसकी मैग्नेटिक पावर खत्म होगी, बस ये मुझे चाहिए। इसके लिए मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, माने टेम्परेरी मैग्नेट जिसके अंदर परमिएबिलिटी हाई लेकिन रिटेंटिविटी बहुत लो, रिटेन कुछ करे ही ना, आपने रखा उसी वक्त फील्ड बना, अच्छा खासा फील्ड बना, जैसे आपने हटाया उसकी रिटेंशन खत्म हो गई। इसलिए सॉफ्ट आयरन से हम बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और स्टील से बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट, ये दो। और मैंने आपको अंत में कहा था हमारे पास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और अदरवाइज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज इन तीनों मेटल की, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो आप एक काम करें, इस तीनों की मैं आपको टेबल दे रहा हूं, जहां पर भी बेटा डिफरेंसेस के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको टेबल बना के कीजिए, एग्जामिनर के पास अच्छा इंप्रेशन बनता है और आप भी क्लैरिटी में याद कर सके। ये आपके सामने मैंने टेबल दे दी है।
इस टेबल को आप नोट कर सकते हैं आराम से और रट लीजिए, ये सब हमारे आपके काम का है। इसमें इफेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड में क्या करेगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या करेगा, ये सब मैंने लिख दिया है। आप इसको आराम से मतलब लर्न कर लीजिए। हालांकि लॉजिक तो आपको समझ आ ही गया, लेकिन फिर भी कहीं पर आपको स्ट्रेट वे पूछेगा, जल्दी टाइम में आपको आंसर देना है, तो आपको लर्न कर देना चाहिए। चलिए, अब हमारा मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म का पार्ट खत्म हो गया। अब हमारे पास अगला जो आएगा वो ईएमआई का आएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो शीघ्र ही आपके सामने दूंगा। इसको यूज करें और इसके नोट्स आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर कुछ समय में लोड हो जाएंगे, वो भी ले लीजिएगा। और अपने आप आराम से ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये सब नोट्स में मिल जाएगा आपको, आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से। लेकिन अब 2-4 दिन में उसको अपलोड कर दूंगा, अभी तैयार नहीं है। तो इसको आप यूज करें, दोस्तों को बताएं, और कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।